हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। 5000 जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाइलिंगुअल है। सीरीज नंबर्स जो चल रही है उसका सेट नंबर 13 की आज अपन बात करेंगे। देखिएगा, बात कर लेते हैं। आज 985 क्वेश्चंस अपन 12 सेट के अंदर कवर कर चुके हैं। जितने भी अपने वीडियो बन रहे हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीएस वाली प्लेलिस्ट का नाम है साइंस जीके 5000 एमसीक्यू। इसी प्रकार से जीके वाली प्लेलिस्ट का नाम है आपका जीके 5000 10000 एमसीक्यू। ओके, तो उसी सीक्वेंस में अपन शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 986 के साथ में। आगे बढ़ेंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया करो मौका मिले तो। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा। ध्वनि ठोस सरफेस से टकरा रही है, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। साउंड की बात हो रही है, साउंड सॉलिड से टकरा रही है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कह रहे हैं कि आपकी जो साउंड है वो अपरिवर्तित होगी, साउंड है वो परावर्तित हो जाएगी। अपरिवर्तित नहीं है, अपवर्तित है, रिफ्रैक्टेड। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि साउंड आपकी रिफ्लेक्टेड हो जाती है, साउंड आपकी अवशोषित होगी, और साउंड आपकी दोनों होगी, अवशोषित भी होगी और परावर्तित भी होगी। बताइएगा इसका क्या आंसर निकलने वाला। बाकायदा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी गुड मॉर्निंग शुभिर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आंसर बनने वाला है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साउंड है वो आपकी अवशोषित भी होगी और परावर्तित भी होगी। एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिएगा, परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन वो होता है जो किसी मीडियम से आ रही है और टकरा के उसी मीडियम के अंदर चलेगी। तो यहाँ पे मीडियम वन है, आने वाला भी मीडियम वन है, जाने वाला भी मीडियम वन है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी परावर्तित। क्लियर है। अपवर्तित का मतलब क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ये कहलाती है आपकी यहाँ पे परावर्तित की अपवर्तित। क्लियर है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं। समुद्र के अंदर हरे पौधे, आप शैवाल भी समझ सकते हो, शैवाल वगैरह होते हैं, वो मछली को सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है, वे एक साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकालते हैं। वे ऑक्सीजन निकालते हैं, वे ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन CO2 बाहर निकालते हैं। किसकी बात हो रही है, पौधों की। वे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो समुद्र के अंदर जितने भी पौधे हैं वो मछली को सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, दे गिव आउट ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। मछली की बात हो रही है, फिश की बात हो रही है, तो फिश को अपन कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करें तो इनका जो श्वसन होता है वो होता है गिल्स के द्वारा होता है। मछली का जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। कीट के अंदर किसके द्वारा होता है, कीट के अंदर श्वसन होता है एक ट्रेकिया नामक ट्यूब के द्वारा होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस पेड़ का उपयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है। ओके, टिम्बर, टिम्बर बोले तो इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है, किसका जगह ऑप्शन में से। अंकिता जोशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। किस पेड़ का उपयोग इमारती लकड़ी के लिए किया जाता है, देखिए ऑप्शन में से। ऑप्शन यहाँ पे आपका है रोजवुड है, ऑप्शन आपका महोगनी है, ऑप्शन यहाँ पे सागौन है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। इमारती लकड़ी के रूप में किसका यूज किया जाता है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो देख लीजिएगा, रोजवुड हो गई, महोगनी हो गई और टीक हो गया। रोजवुड, महोगनी और सागौन, टीक को अपन बोलते हैं सागौन, तीनों का यूज किया जाता है इमारती लकड़ी के रूप में। ब्रिजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि किसको रक्त है शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को रक्त शर्करा बोला जाता है। देखिए ऑप्शन में से किसको ब्लड शुगर के रूप में भी जाना जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्लड शुगर के रूप में भी जाना जाता है। क्या आंसर बनेगा, ब्लड शुगर। यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ग्लूकोज। ग्लूकोज को अपन बोलते हैं C6H12O6, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, इसको ब्लड शुगर रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है, ग्लूकोज लेवल ध्यान रखना, ग्लूकोज की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है, और इंसुलिन की अधिकता से, नहीं उल्टा बता दिया, ध्यान रखना, ये दोनों एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में आता भी है। इंसुलिन है आपका, इंसुलिन की तो कमी होगी और आपकी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अधिकता होगी, तब आपके कौन सी बीमारी की कंडीशन बनती है, तब बनती है मधुमेह रोग। मधुमेह बोले तो डायबिटीज रोग की कंडीशन बनती है। इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है, इंसुलिन का श्रवण होता है बिट्टा कोशिकाओं से।
पेनक्रियाज है, अग्नाशय, उसके अंदर बिट्टा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोज का स्रावण होता है, कहाँ पे? अग्नाशय के अंदर, पेनक्रियाज के अंदर, लैंग्रहैन्स द्वीप है वहां से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्म करने पर कौन सा विटामिन आपका नष्ट हो जाता है, चाहे गर्म करने पे हो चाहे छीनने धोने पे हो? बिल्कुल सही है, इन इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। बिल्कुल वेरी गुड। गर्म करने पर कौन सा विटामिन आपका नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका देखिएगा, आपको विटामिन, अपन बात करें सी की, बात करें विटामिन सी आपका नष्ट होता है, कौन सा विटामिन सी? अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन में विटामिन सी दिया हुआ ही नहीं है। एक तो विटामिन सी होता है वो आपका छीनने से, गर्म करने से नष्ट होता है, नहीं दे रखा है विटामिन सी। अब यहाँ पे आपको दे रखा है विटामिन बी वन है, ओके। विटामिन बी को क्या बोला जाता है, बी वन को क्या बोला जाता है, बी वन को बोला जाता है थायमिन, इसको बोला जाता है थायमिन, ओके। एक बार मैं दोनों ट्रिक लिख देता हूँ, पहली आप याद करोगे तो पहली तो आपकी ट्रिक लगती है रथ एक टोपी, रथ एक टोपी से आप सभी याद कर लोगे। और दूसरी ट्रिक बनती है जो ओनली बी वाले याद करते हैं, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, इस ट्रिक से अपन दोनों याद कर लेते हैं, बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी एट बी नाइन बी ट्वेल्व ट्वेल्व सभी अपन इसे याद कर लेते हैं, ओके। और रथ एक टोपी से अपन ओनली याद करते हैं ए बी डी ई के। आगे का क्वेश्चन आपका, दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होता है? आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है, कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ हो सकता है, उस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस है, कोई भी द्रव है, कोई भी ठोस है, उनके जो भी पार्टिकल्स है वो अलग अलग मात्रा में क्या रखते हैं, काइनेटिक या पोटेंशियल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, किस प्रकार की एनर्जी रखते हैं? यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, दिए गए टेम्परेचर पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होती है, अलग अलग मात्रा में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, देखिएगा अगर अपन बात करें गैस के अंदर वो ज़्यादा स्पीड से गति करते हैं, द्रव के अंदर थोड़ी कम स्पीड से गति करते हैं, सॉलिड के अंदर बहुत ही हल्की हल्की स्पीड से, ओके। तो यानी सॉलिड के अंदर तो अपन स्टेबली मान सकते हैं, गैस होगी वहाँ पे और ज़्यादा मूव करेंगे पार्टिकल्स, गति करेंगे, तो उनके अंदर अलग अलग आपको काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आगे का क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है जो आपका करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच के संबंध को दर्शाता है? ओम्स लॉ याद होना चाहिए, ओम्स लॉ क्या कहता है बताइएगा। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी को पता है क्या आंसर बनने वाला है। सबसे पहले ओम्स लॉ याद होना चाहिए, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है आपका V समानुपाती I होता है और V इक्वल टू आई आर बन जाता है। तो V इक्वल टू आई आर कहीं नहीं आ रहा है तो अपन R निकाल लेते हैं इससे, इसी को दूसरी कंडीशन में कर देते हैं, V अपॉन I इक्वल टू R, R की वैल्यू आ रही है V अपॉन I, ये आ रहा है आपका R की वैल्यू V अपॉन I आ रहा है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक है, सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं अपन Na2CO3, अपना चाहे Na2CO3 हो चाहे अपना NaHCO3 हो, Na2CO3 हो या अपना NaHCO3 हो, दोनों क्या है अपने, दोनों आपके क्षारीय है, क्लियर है, बेस है। ये क्षारीय लवण होता है क्योंकि, क्योंकि ये किससे मिलके बनता है, Na2CO3 किससे मिलके बनता है? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है आपका Na2CO3, एक क्षारीय लवण है क्योंकि ये किससे मिलके बनता है आपका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये किससे मिलके बनता है, CaCO3 प्लस आपका NaOH, ओके। तो आंसर बन जाएगा हमें Na2CO3। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, एक युवा पुरुष का जो रक्तचाप है सामान्यतः कितना होता है? द ब्लड प्रेशर ऑफ ए यंग मेल ह्यूमन बींग इज नॉर्मली, सीमा लखावत जी वेरी गुड मॉर्निंग। एक युवा पुरुष का रक्तचाप है सामान्यतः कितना होता है, इसका आंसर जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 120/80। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट भी आपको ध्यान में रखनी है, यूनिट होती है इसकी mm पर hg, mm पर hg आपको ध्यान में रखना है इसका, 120/80 mm पर hg। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितने होगा? यहाँ पे कोई वस्तु और रखी हुई है, यहाँ पे अपन b रख लेते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। अब ये कह रहा है कि दूरी तय की गई है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको कवर करनी है, दो चीज़ें क्या है आपकी यहाँ पे, एक तो आपको दूरी पकड़ना है, एक आपको यहाँ पे विस्थापन पकड़ना है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लीजिएगा। सबसे पहले a और b,
ए और बी के बीच में अगर अपन इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से अपन घूम फिर के जा रहे हैं, तो ये तो कहलाती है इसकी दूरी, क्लियर है। और अगर अपन सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर या अपन कहे तो मिनिमम डिस्टेंस है, ये कहलाती है आपकी विस्थापन, क्लियर है। अब यहाँ पे समझना है आपको, कई सारी कंडीशन बनती है, एग्जाम में कंफ्यूजन भी होता है। आपकी दूरी ही यदि जीरो है तो विस्थापन तो होना ही नहीं है, दूरी ही जीरो है तो आपका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन आपका हमेशा जीरो होगा। अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, दूरी आपकी क्या होती है, अदिश होती है, विस्थापन आपका यहाँ पे सदिश होता है, ओके। विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव बनेगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन लिखे हुए इसी अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई। मॉडर्न की बात हो रही है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अपन देखें तो मॉडर्न किसके द्वारा दी गई, मॉडर्न दी गई मोजले के द्वारा, और मोजले ने किसका यूज किया, मोजले ने एटॉमिक नंबर का यूज किया। आंसर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई। ऑप्शन आया परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ओके। एटॉमिक मास बता रहा है, अब बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिकुलस मास, ये आणविक द्रव्यमान बता रहे हैं, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बता रहे हैं, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में बता रहे हैं, आधुनिक की बात हो रही है, मोजले की बात हो रही है, तो मोजले ने परमाणु संख्या का यूज लिया था, ओके। मोजले ने एटॉमिक नंबर का सपोर्ट लिया था, इसका आंसर बनेगा ये, देमेत्रियो मेंडेलियम ने लिया था मास का यूज, ओके। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन आपका, एक बीमारी का हमेशा ही एक होता है, कोई भी बीमारी होती है उसमें हमेशा क्या होता है, कोई कारण होता है, कोई जीवाणु होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई उपचार होता है। किसी भी बीमारी का हमेशा क्या होता है, उस बीमारी का हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, जिसे न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा एनर्जी, एनर्जी आपकी हमेशा संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी आपकी हमेशा संरक्षित रहती है। वेलोसिटी आपकी सदिश राशि है, ध्यान रखना। पावर की बात करें, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से दिया जाता है, डब्ल्यू आपका एफ डॉट डी हो गया, अपॉन में टी हो गया, ध्यान रखना। एफ का फिर से आप फॉर्मूला लिख सकते हो, एम इंटू ए, तो इस तरीके से आपको कई न्यूमेरिकल बन सकते हैं इनके ऊपर। मोमेंटम अपन किसको बोलते हैं, पी इक्वल टू एम इंटू वी को अपन मोमेंटम बोलते हैं, ओके। ऊर्जा अपन किसको बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी आप अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हो, कार्य करने की क्षमता को अपन एनर्जी कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को अपन एनर्जी बोलते हैं, ओके। तो ये ध्यान देना है, पावर और एनर्जी वाला रिलेशन। आगे अपन बात करें, कारों के ब्रेकिंग पैड में, कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है। ब्रेकिंग पैड हो रही है, मोटर गाड़ी हो गया, जो ब्रेकिंग पैड होता है उसमें किसका यूज किया जाता है, घर्षण का नेगेटिव इफेक्ट, घर्षण का जीरो इफेक्ट, या वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, या घर्षण का पॉजिटिव इफेक्ट। ब्रेकिंग पैड में, ब्रेकिंग पैड में फ्रिक्शन है, घर्षण है, उसके किस इफेक्ट का यूज किया जाता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट का यूज किया जाता है, ओके। जितना पॉजिटिव होगा तभी तो ब्रेक लगेंगे, जितना पॉजिटिव फ्रिक्शन होगा, जितना ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा तभी तो वो लगेंगे, आंसर बनेंगे यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट का, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसे ही पॉइंट एक एक छोटे छोटे वर्ड अपने पूरे क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वहां पर रहती है अपनी स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। सोडियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, पोटेशियम, यहाँ पे ट्रम्स पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, तो जल्दबाजी भारी पड़ जाती है, अपन रटा रटा है सोडियम पे टिक लगाते हैं। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका एल्यूमिनियम के साथ में, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। तो चाकू से अपन किस किस को काट सकते हैं, सोडियम हो गई, लिथियम हो गई, पोटेशियम हो गई, इन सबको अपन आसानी से चाकू से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कमजोर धातु बंध होता है, क्या होता है, वीक मेटलिक बॉन्ड होता है इनके अंदर, इनको अपन किसके अंदर स्टोर करते हैं, इनको संरक्षित करा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर, ओके। केरोसिन तेल में इनको अपन स्टोर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हवा के साथ में मिलकर बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन पैदा कर देता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृषणों से, टेस्टिस से, देखिएगा 1001 पे अपन पहुंच गए हैं, और सेट ज़्यादा नहीं किया, अभी 12-13 सेट है, 13वां सेट है,
और शुरू से देखोगे तो एक एक क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट और साथ साथ में आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी क्लियर होता चलेगा। यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा टेस्टोस्टेरोन के साथ में। टेस्टोस्टेरोन है ये आपका मेल हार्मोन कहलाता है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। ओके, टेस्टिस से। और एक क्वेश्चन आया था पीछे अपने स्टार्टिंग में देख चुके हैं, इसके अंदर कितने कक्ष होते हैं, टेस्टिस के अंदर कितनी वो जालक कोशिकाएं बनी हुई होती है, तो एक टेस्टिस के अंदर था वहां पर 250। ओके, तो दो में कितनी थी जालक कोशिकाएं, 500 हो जाएगी। पीछे क्वेश्चन आ चुका है, बकायदा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। अब यहाँ पे देखिएगा किलोग्राम लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है। वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी, यहाँ पे पावर पूछी गई है। ओके, तो ऑप्शन सभी वाट में दे रखे हैं तो अपने को निकाल लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भाग के क्या फॉर्मूला लगाते हो, यहाँ पे भाग के कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, ऐसी कंडीशन में ऊंचाई चढ़ रही है तो अपन भाग के लगा देते हैं MGH, तो अपन भी MGH लगाएंगे, लेकिन क्या MGH ही आंसर रहता है अपना। सबसे पहले अपने को दे रखा है M की वैल्यू यहाँ पे 40 kg दे रखी है, उसके बाद में समय T की वैल्यू अपने को 10 सेकंड दे रखी है, उसके बाद में 50 सीढ़ियाँ दे रखी है अपने को, सीढ़ियाँ यहाँ पे आपके पास में 50 है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी दे रखी है प्रत्येक के बीच में 15 सेंटीमीटर दे रखी है, मोहन की शक्ति क्या होगी, पावर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ऊंचाई कितनी बनने वाली है इन दोनों से। अगर दो सीढ़ियों के बीच की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो 50 सीढ़ियों में कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी आपकी 50 × 15, बोले तो 750, 15 × 5 = 775, ये किस में आएगा, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रखना सेंटीमीटर है। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मीटर चाहिए, अपने को मीटर चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट में जाना है अपने को, साइंस के हर न्यूमेरिकल में अपने को ऐसा यूनिट पकड़नी है, ये नहीं देखना कि बाकी किस में दिया हुआ है और बाकी किस में दिया हुआ है। तो 750/100 ये बन जाएगा मेरा मीटर, क्लियर है। आगे और अपने को क्या दे रखा है देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अपने को पावर पूछी गई है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होती है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य आपका किससे निकालेंगे, कार्य निकालेंगे अपन MGH से, MGH/T। अब आपको मास दे रखा है, मास कितना आपके पास में 40 है, ग्रेविटी, ग्रेविटी को आप 10 ले लीजिएगा, 9.8 होती है वैसे तो, लेकिन आप 10 ले लीजिएगा। हाइट अपने पास में आ गई 750/100। ओके, अपन में समय, समय हमेशा सेकंड में लेना है साइंस के क्वेश्चंस में, समय हो जाएगा आपका 10 सेकंड, कटता है काट दीजिएगा, नहीं कटता है छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 ये कैंसिल, 10 ये कैंसिल, तो 4 × 75, 4 × 75 बोले तो 300, यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 300 वाट। आया समझ में, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 300 वाट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं जो भी एनर्जी प्राप्त होती है कहाँ पर स्टोर होती है, एमिनो एसिड, पायरुविक एसिड, शर्करा या ग्लाइकोजेन। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ग्लाइकोजेन हार्मोन, ग्लाइकोजेन हार्मोन ये क्राउन से स्रावित होता है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका होता है एल्फा कोशिकाओं से, लैंग्रहन्स द्वीप के अंदर एल्फा कोशिकाओं से होता है। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और इंसुलिन होता है बीटा कोशिकाओं से, और सोमेटो स्टेटिन नामक हार्मोन होता है डेल्टा कोशिकाओं से। तीन हार्मोन होते हैं, ध्यान रखिएगा तीनों इंपॉर्टेंट है, एल्फा बीटा और डेल्टा, तीन ये तो है आपकी कोशिकाएं। एल्फा से ग्लूकोजन हार्मोन, बीटा से आपका इंसुलिन हार्मोन, डेल्टा से होता है सोमेटो स्टेटिन हार्मोन। ओके, सोमेटो स्टेटिन का काम क्या होता है, इन दोनों के अंदर बैलेंस बनाए रखना, ये अपना लेवल बढ़ाता है, ये अपना लेवल बढ़ाता है, इसको कम करता है, ये दोनों के अंदर बैलेंस बनाए रखता है कि कोई सा ज़्यादा या कम ना हो जाए। और तीनों का श्रवण होता है अग्नाशय के अंदर, लैंग्रहन्स द्वीप होती है वहाँ पे, अलग अलग कोशिकाएं होती है वहाँ से। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग चाइल्ड। देखिए ऑप्शन में से, यानी चाइल्ड के प्रोग्रेस के लिए कौन सा हिस्सा अपने आप को ग्रोथ करता है, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन, नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है धरती, ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन है शनि। नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है धरती के साथ में, ऑप्शन नंबर ए धरती आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। धरती क्यों नहीं है? क्योंकि धरती नहीं बोला जाता, इसको अर्थ बोला जाता है, ग्रह के अंदर इसको अर्थ बोला जाता है, पृथ्वी बोला जाता है, इस वजह से आपका गलत हुआ। बाकी शुक्र बृहस्पति शनि आपके तीनों प्लेनेट है। अगला क्वेश्चन आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ध्यान देना यहाँ पे, आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है होता है उसी को लिख दिया इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। इसके गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? NaHCO3 को आप गर्म करोगे, NaHCO3 आप किचन में भी काम में लेते हो, जिसको अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर कब बनेगा? बेकिंग पाउडर तब बनेगा जब इसके अंदर मैं टार्टरिक एसिड मिला दूं, टार्टरिक एसिड मिलाता हूं मैं, तब ये मेरा बनेगा बेकिंग पाउडर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बाकायदा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। NaHCO3 को मैं गर्म करूंगा तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और इसी वजह से इसका यूज किया जाता है अग्निशामक के रूप में भी, इसका यूज किया जाता है अग्निशामक के रूप में भी यूज किया जाता है। आदित्य चतुर्वेदी जी, अभी इसके बारे में डिसाइड नहीं है, अभी अपना टारगेट है कंप्लीट क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल्ड करने का। अभी क्वेश्चंस कंपाइल्ड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ओके, ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करोगे तो देखिएगा आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस आपको CO2 मिलेगी, प्लस आपको H2O देखने को मिलेगा, इसकी कंप्लीट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी हमेशा दी जाती है 1/2 mv² के साथ में। कंप्लीट क्वेश्चन एक जगह कंपाइल करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा मास हमेशा आपका, वैसे तो अपन बात करें अगर वस्तु आपका एक ही है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे देखिएगा इसके एक्चुअल में ऑप्शन आपको दे रखा है आपका द्रव्यमान और वेग पे, लेकिन एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मास हमेशा फिक्स रहता है। अगर ऑप्शन आपका अलग अलग दिया हुआ हो, ध्यान रखना यहाँ तो आपने टिक लगा दिया, इस पे होते हैं ऑप्शन दिया हुआ अलग अलग, जैसे कि पहले ऑप्शन में आपको m दिया हुआ है, दूसरे में आपको v दिया हुआ है, तब आपको v के ऊपर टिक लगाना है। क्लियर है? क्यों? मास तो हमेशा फिक्स रहता है, वेलोसिटी आपकी वेरी करती रहती है। अगला क्वेश्चन, उभयधर्मी प्रकृति का होता है कौन सा है जो उभयधर्मी प्रकृति का होता है? उभयधर्मी का मतलब है जो अम्ल के साथ में भी रिएक्शन करे और क्षार के साथ में भी रिएक्शन करे, जो अम्ल के साथ में और क्षार दोनों के साथ में रिएक्शन करे उसे कहते हैं उभयधर्मी। देखिए ऑप्शन में से क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जिंक ऑक्साइड आपका दोनों के साथ में रिएक्शन करता है। देख सकते हो यहाँ पे अगर ये एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड। और इसी प्रकार से ये क्षार के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है आपका सोडियम जिंकेट। तो ये दोनों के साथ में रिएक्शन करता है आपका जिंक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपका जिंक ऑक्साइड। एम्फीबियन पौधों को निम्न में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन बोलते हैं अपन उभयधर्मी, जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, उभयधर्मी। तो एम्फीबियन या उभयधर्मी पौधों को कौन से समूह में रखा गया है? ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ब्रायोफाइटा के साथ में, ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता? ओके, अच्छे से पढ़ना है एग्जाम के अंदर, नहीं किया जाता, इंडिकेटर के रूप में नहीं किया जाता। एसिड और आपका जो भी यहाँ पे अम्लीय और उदासीन लिखा है, ये भी ध्यान रखना है, अम्लीय और उदासीन रखा है ना कि अम्लीय और क्षारीय। कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता? यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिनॉल फतेलिन, मिथाइल ऑरेंज या इओसिन। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, फिनॉल फतेलिन का यूज नहीं किया जाता। तो किसका यूज किया जाता है रट लीजिएगा, क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है। मोइजी वेरी गुड मॉर्निंग। इओसिन का भी यूज किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये तो अपने हाई है, और मिथाइल ऑरेंज का भी यूज किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भ्रूण के विकास की निगरानी करने के लिए कौन सी नवीनतम टेक्निक का यूज किया जाता है? यूट्रस के अंदर बच्चा पल रहा है, उसका जो विकास हो रहा है उसका डे बाय डे मंथ वाइज किस प्रकार से उसका
देखभाल की जाती है, क्या निगरानी रखी जाती है, किसकी सहायता से? कीमोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। जब इफेक्टेड सेल होते हैं उनको डैमेज करने के लिए, उनको मर्द करने के लिए कीमोथेरेपी काम में ली जाती है। CAT बनेगी क्या? अल्ट्रासोनिक या इडियोमेट्री, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अल्ट्रासोनिक। इथाइल एल्कोहल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इथाइल एल्कोहल का उपयोग स्प्रिट लैंप में ईंधन, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, विलायक या इनमें से सभी। इथाइल एल्कोहल का यूज बताना है किस रूप में किया जाता है। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, सभी के सभी। स्प्रिट लैंप में ईंधन, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ और विलायक, तीनों के अंदर इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य में किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, और क्या होगा? हीमोग्लोबिन हो गया, या अपन कह देते ब्लड की कमी से। अब यहां तो ऑप्शन ये लगा रहे, बताइएगा। यहां पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, बिल्कुल सही है, आयरन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन भी देखिएगा, बहुत बार रिपीट हो रखा है। कोई भी अम्ल ले लीजिएगा, कोई भी आप क्षार ले लीजिएगा, इनके आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास में क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा, H2O मिलेगा। ये कंप्लीट रिएक्शन क्या हो रही है? इसमें कहीं ना कहीं सब्लिमेशन हो रहा है, या हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, एलोजनीकरण हो रहा है, उदासीनीकरण हो रहा है। तो इसमें सब कुछ उदासीन हो रहा है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उदासीनीकरण। ध्यान रखना, बार बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो फिर से टीका लगना स्टार्ट हो चुका है, अब COVID-19 का टीका लगना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कौन सा टीके की खोज की गई थी? सबसे पहले की गई थी चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। चेचक को अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। यहाँ पे आंसर बनेगा 1985। बोले तो जैसे कांग्रेस की स्थापना होती है उसके 100 साल बाद में आपको टीके लगना स्टार्ट हो जाता है, 1985। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1985, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए दो कोष होते हैं? यानी पहली कक्षा में भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में भी इसके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होंगे, KLMN ये कक्षा है, तो दो ही कक्षा की बात हो रही है। किस तत्व में पूरी तरह से, यानी कि के में यो, इसमें क्वेश्चन में आपको कहा गया कि दो कक्षा में, तो देखिएगा अगर दो कक्षा की बात हो रही है। अच्छा बिल्कुल सही है, आर्गन भी पूरा भरा हुआ होता है आपका, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन के भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें दो ही कक्षा होती है आपकी। नियोन आपका 10 पे आता है, इसमें दो ही कक्षा होती है के और एल, आर्गन में 3 कक्षा होगी KLM, तो इसकी तो तीनों कंप्लीट भरी हुई होगी, इसमें ओनली दो ही इसकी कंप्लीट भरी हुई होगी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया दो। विच एलिमेंट हैज 2 सेल्स? इंग्लिश में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, हिंदी में थोड़ा सा सस्पेंस होगा। विच एलिमेंट हैज 2 सेल्स? तो दो सेल्स ओनली किस में होंगे आपके? नियोन के अंदर होंगे, 2 सेल्स ओनली नियोन के अंदर होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अम्ल स्राव किसकी विशेषता है? एसिड सेक्रेशन इज ए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, अम्ल का श्रावण कहाँ से होता है? देखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकायदा एग्जाम में पूछा गया है। अब ये जो अम्ल श्रावण होता है, छोटी आंत के अंदर भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। छोटी आंत के भाग क्या क्या है? इसके भाग है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसके भाग है, बड़ी आंत के भाग आपके रेक्टम, सिकम, कोलन, याद हो जाएगा IDJ या RCC, इस तरीके से मैच कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा किसका भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग है डेडुनम, जेजुनम, इलियम, बड़ी आंत के भाग है रेक्टम, सिकम, कोलन। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका आमाशय, ऑप्शन नंबर बी, आमाशय स्टमक। अब यहाँ से देखिएगा HCl का श्रवण होता है, अगर HCl तो एसिड है, एसिड आपका नष्ट कर देगी किसी ना किसी भी, आमाशय को धीरे धीरे काट कर देगी, उसको कट कर देगी, तो इसके ये कवर्ड रहती है सलेस्मा झिल्ली से, और ये आपका क्षार का काम करती है।
तो इस ACL का इफेक्ट नहीं पड़ने देती। ओके, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर में होती है, मीटर में होती है, और इसको 3.28 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर फिट में आ जाएगा। कोई भी संख्या है उसको 3.28 से गुणा कर दीजिएगा, मीटर में दिया हुआ है, 3.28 से गुणा कर दीजिएगा, आपका फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? रात्रि के समय आकाश में चमकता है, आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, तारा स्टार। ओके, ऑप्शन नंबर डी तारा स्टार। तारा हो गया अपना जो सन हो गया, इनके अंदर नाभिकीय सलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय सलयन का एग्जांपल होता है आपका हाइड्रोजन बम। किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दुगुनी हो जाती है। ध्यान देना यहाँ पे, एक तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये टर्म्स पढ़िएगा, किसी तार की लंबाई और अधिक तार, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें और जोड़ा गया है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और क्या आता है, किसी तार को खींचकर डबल किया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका इफेक्ट करेगा उस चीज़ से। यदि आपके पास में पहले एल लेंथ का वायर है, उसमें फिर आपने एल लेंथ का और जोड़ दिया, ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बाकी अपन दोबारा दूसरे पे देखते हैं। यदि किसी तार की लंबाई को और अधिक तार के जोड़ने से दुगुनी हो जाती है, तो उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑब्वियसली आपका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, आपने यहाँ पे कर दिया इसको डबल, रो इंटू टू एल अपॉन ए, तो आपका डबल हो गया, सिंपल सी बात है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और क्या था, आपके पास में कोई भी वायर है, ओके, आप उसको खींच के डबल कर रहे हो, ओके, ये वायर है, सपोज कीजिएगा इसको आपने, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन A है, इसको आपने खींचा, खींच के आपने इसको डबल लेंथ का बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी लंबाई तो डबल हो गई आपकी, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपका आधा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर? अब इस पर इफेक्ट पड़ेगा R इक्वल टू रो L अपॉन A से वैल्यू रख दीजिएगा। अब ध्यान देना है, ये एरिया आधा किया मैंने, तो इसकी त्रिज्या आधी होगी। एरिया दिया जाता है पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे सर्किल बन रहा है, तो एरिया हमेशा त्रिज्या से दिया जाता है, और इसका एरिया आधा नहीं करना है अपने को, अपने को त्रिज्या को आधी करनी है, ध्यान रखना है त्रिज्या को आधी करनी है आपको। अब इसमें रख दीजिएगा, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला बनेगा आपका रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रो की जगह रो रख दीजिएगा, एल को आपने आधा किया था, अपन पाई आर को भी आपने आधा किया था। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे तो रो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आगे, इधर सॉल्व कर देता हूं, रो इंटू एल बाय टू अपॉन में पाई आर स्क्वायर बटे चार। अब ये दो इससे कैंसिल होगा और ये दो आपका ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ये कंप्लीट बन जाएगा टू, बाकी आपकी सब सेम रहने वाला है जो भी है। ये जो पाई आर स्क्वायर है, इस पाई आर स्क्वायर की जगह वापस मैंने ए रख दिया है, तो इस कंडीशन में भी आपका डबल। ध्यान रखना है खींच के डबल किया है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल। अगर लंबाई को अपन डबल करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, अगर अपन इसको खींच के दुगुना करते हैं, खींच के दुगुना करेंगे तो लंबाई अपनी डबल हो गई, लंबाई डबल हो गई, अपना क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा, त्रिज्या अपनी आधी हो गई। त्रिज्या को अपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, आर बाय टू का होल स्क्वायर, ये एल बाय टू, ये आर बाय चार बनेगा, ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से दो ये ऊपर जाएगा, दो गुना होगा इसमें भी, ओके। तो इस तरीके से ये आपका एक न्यूमेरिकल और आता है। ऑप्टिशियन प्लस 2.5 डी क्षमता वाले करेक्टिव लेंस का सुझाव देता है, इसका मतलब क्या है? पावर की इकाई हमेशा डायप्टर में दी जाती है, पावर का फॉर्मूला बन जाता है 1/f। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले तो पॉजिटिव लगाएं, पॉजिटिव किसके लिए काम आता है, पॉजिटिव क्यों होता है हमेशा, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये तो है अपना जैसे कि अवतल, ये तो हो गया उत्तल, एक हो गया आपका अवतल, तो इसमें तो क्या होता है, अपन इधर वाला पोर्शन काम में लेते हैं, ऐप सीर इधर वाला काम में लेते हैं, और ये इधर ही चलता है, इधर से इस किरण आती है। अवतल में क्या होता है, इमेज आपकी इधर ही बनती है, तो इसमें अपन इसको नेगेटिव लेते हैं, इसमें पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिया, इसका मतलब आपका उत्तल काम में आएगा। अवतल सब जगह से हटा दीजिएगा, अवतल नहीं होगा, अवतल नहीं होगा, ओके, आंसर बनेगा उत्तल में। अब इसमें 2.5D की बात हो रही है, तो 2D तो आपका बन ही नहीं सकता। लेंस दो उत्तल लेंस का संयोजन होगा जिनकी क्षमता 2 और 0.5D है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। 2.5 है, इसका मतलब यहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन लगेगा दो कन्वेक्स लेंस का जिसकी पावर होगी 2D और 0.5D, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। पी का फॉर्मूला होता है 1/f, हमेशा इसमें ध्यान रखना f को मीटर में लिया जाता है, f हमेशा मीटर में लिया जाता है,
एफ होती है फोकल लेंथ होती है जिसको मीटर में लिया जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक डायप्टर किसके बराबर होगा, तो एक डायप्टर होगा एक मीटर इनवर्स के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हो जाएगा एक बटा मीटर और ये मीटर आपका ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन बाकायदा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा। स्किप मत करो ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो सिलेक्शन दिलाएंगे। साइंस बिल्कुल हार्ड नहीं है, स्किप करोगे तो बेटा पार कैसे होगा। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5000 6000 जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसके बाद में थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक थ्योरी के कंसेप्ट बाकी टॉपिक वाइज डाले हुए हैं, एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी अभी सेंटीग्रेड नहीं है, फारेनहाइट है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कन्वर्जन किया जाता है 9/5 × सेंटीग्रेड + 32 के द्वारा। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन कन्वर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो भी ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं इनके अंदर क्या विशेषताएं पाए जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफी पुटक इनमें क्या पाए जाते हैं? ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्रॉग की ओवरी, मैमल्स की ओवरी या थायराइड में या टेस्टिस में? थोड़ा सा रिलेट करोगे आंसर निकल के आ जाएगा सही से। आंसर बनेगा यहाँ पे ओवेरी ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों के अंडाशय के अंदर पाई जाती है ग्राफियन फॉलिकल्स। ओके, होता क्या चीज है? स्तनधारी अंडाशय में एक तरल पदार्थ से भरी संरचना जिसके भीतर एक डिंब का विकास ओव्यूलेशन से पहले होता है। पढ़ लीजिएगा, जिसमें ओव्यूम है वो डेवलप करता है किससे पहले? ओव्यूलेशन होने से पहले। एक फ्लूड फील्ड स्ट्रक्चर होता है मेमेलियन ओवरी के अंदर जिसके अंदर ओव्यूम है वो डेवलप करता है किससे पहले? ओव्यूलेशन से पहले। अगला क्वेश्चन आपका है स्टैटिक घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण की तुलना करना है अपने को, दोनों के बीच में कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है? तो ऑब्वियसली स्लाइड करते हुए कोई चीज़ आ रही है तो उसके अंदर घर्षण आपका कम लगेगा। यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में। ऑप्शन एक कहता है आपका सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है, बिल्कुल सही है। स्लाइड वाला फ्रिक्शन है वो आपका स्लाइटली स्मॉलर होता है देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइड करते हुए कोई वस्तु आ रही है उसके अंदर फ्रिक्शन कम लगेगा, एक वस्तु आपकी बिल्कुल सीधे फिसलते हुए आ रही है उसकी बजाय। ओके, तो आंसर बनेगा एक तो रोटेट होकर आ रही है एक सीधी सी आ रही है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे निम्न में से कौन सा सूचक है दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जाता है? Which of the following indicator can be used by visually impaired student? Visually impaired student के द्वारा यूज किया जाता है इंडिकेटर, हल्दी, लिटमस, वनीला या पिटूनिया के पत्ते? यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में वनीला। ऑप्शन नंबर डी वनीला इंडिकेटर है। वनीला क्या है? इंडिकेटर है जो यूज किया जाता है किसके द्वारा? दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के द्वारा वनीला। वाहनों में लगा निम्न में से कौन सा उपकरण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इंडिकेटर है जो वायु प्रदूषण को बताता है कि हवा प्रदूषित है या नहीं, रेलवे एग्जाम में कल पूछा गया था। उसका आंसर था लाइकेन की उपस्थिति से पता चलता है कि हवा प्रदूषित है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि वाहनों में लगा कौन सा उपकरण वायु प्रदूषण को कंट्रोल करता है? कैटलाइज्ड कन्वर्टर, कार्बोरेटर, रेडिएटर या इन्वर्टर है? यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ में उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तक कैटलाइज कन्वर्टर। ओके, उत्प्रेरक परिवर्तक ऑप्शन नंबर ए। इन्वर्टर का काम डीसीएसी का होगा, रेडिएटर कूलिंग का। यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एस्ट्रो एच द्वारा लॉन्च किया गया एक एक्सरे खगोल विज्ञान उपग्रह था। तो ये खगोल विज्ञान उपग्रह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एस्ट्रो एच क्या था? तो ये था आपका अक्षरे एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, अक्षरे आधारित। अक्षरे की खोज किसके द्वारा की गई? अक्षरे की खोज करता है आपके डब्ल्यू सी रोएंटजन। इन पे चार्ज होता है क्या? नहीं, ये आपकी न्यूट्रल होती है। ये क्या होती है? ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। पार्टिकल्स पे होता है चार्ज, चार्ज आपके पार्टिकल्स पे होता है, वेव्स पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जापान। कल क्वेश्चन पूछा गया था जापान की मुद्रा क्या होती है? जापान की मुद्रा येन होती है। कल क्वेश्चन पूछा गया था जापान के पीएम कौन है? तो
सुगादे, जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगादे, योशिदे सुगादे इनका पूरा नाम है। ये दोनों क्वेश्चन कल रेलवे एग्जाम में आए थे। जापान के प्राइम मिनिस्टर और जापान की करेंसी, जापान की मुद्रा है येन। ओके, तो एस्ट्रो एच है तो किसका है, एक जॉइंट है किसका, जापान का और नासा का। जापान वाली स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा और यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव था टू द स्टडी द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करना। ओके, कब लॉन्च किया गया, इसको 17 फरवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया। ओके, कब डिस्ट्रॉय कर दिया, 26 मार्च 2016 को, यानी एक महीने बाद ये डिस्ट्रॉयड। अगला क्वेश्चन, आउटर ईयर किसे कहते हैं, व्हाट इज द आउटर ईयर कॉल्ड, आउटर ईयर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा पिन्ना, ऑप्शन नंबर एक कर्णपाली। आउटर ईयर किसे कहते हैं, कर्णपाली। अगला क्वेश्चन, पौधे किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, पौधे किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, स्टेम, स्टोमेटा, फ्लावर या रूट्स। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में स्टोमेटा। श्वसन भी इन्हीं के माध्यम से करते हैं, तो एक्स्ट्रा पानी होता है उसका ट्रांसपायरेशन या वाष्प उत्सर्जन भी इसी के द्वारा किया जाता है, रंधर के द्वारा भी। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि मशरूमों में खून आना किससे संबंधित है, मशरूमों में खून आता है आपका विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी, विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मशरूमों में खून आना स्कर्वी रोग का इंडिकेशन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ध्यान देना है, एक जब कल अपन ने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, देखिएगा, सल्फ्यूरिक, कल अपने क्या कहा था कि सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला अपने क्या किया था, H2SO4, और एक कल देखा था सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल बाकायदा पूछा गया क्वेश्चन था H2SO3, दोनों के फॉर्मूले याद है। ओके, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल आंवड़ा विटामिन सी खट्टे पदार्थों का बिल्कुल अच्छा सोर्स है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल एथेनोइक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, एथेनॉल किसको बोलते हैं, C2H5OH। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में अपन एथेनॉल को गर्म करते हैं तो एथेनॉइड शायद एसिड के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहां पे किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। रट लीजिएगा क्वेश्चन को, एस्टर का निर्माण होता है जब एथेनॉल को एथेनॉइक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और इसको गर्म करते हैं अपन सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति की वजह से, तो निर्माण होता है किसका, एस्टर का निर्माण होता है। और ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना, सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला बनता है H2SO3। सुभाष कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। आगे का क्वेश्चन आपका है, चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार की दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, आइज का यूज करते हैं क्या, ये कह रहा है कि उनके अंदर कुछ साउंड होती है अजीब आवाजें निकालते हैं, ये कह रहा है कि आंखों का इस्तेमाल करते हैं, ये कह रहा है कि प्रसर्वे चीख निकालते हैं, और ये कह रहा है कि अपसर्वे संकेत भेजते हैं। तो प्रसर्वे चीख निकालते हैं जो किसी भी बाधा से टकरा कर परावर्तित होती है, वे कुछ अपसर्वे संकेत भेजते हैं और उनका पीछा करते हैं। अब बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका इंफ्रासोनिक सिग्नल और यहाँ पे आपका अल्ट्रासोनिक, ए बनेगा या बी बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। वे हाई पिच वाली, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे हाई पिच वाली, हाई पिच वाली पिच क्या होगी, उसकी हाई होगी, और एक थोड़ा सा कंफर्म करना है इसका, फीमेल वॉइस की पिच ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल वॉइस की। वो हाई पिच वाली अल्ट्रासोनिक चीख निकालते हैं जो रिफ्लेक्ट करती है हिटिंग एनी ऑब्स्टेकल्स, बाधा से टकराकर परावर्तित होती है। जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, ऐसे जीवाणु जो फ्रिज के अंदर भी अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्शन है साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, एसरिकिया या क्लोस्ट्रिडियम। तो काफ़ी ज़्यादा घातक है ये।
मतलब इससे जीवाणु जो फ्रिज के अंदर भी, फ्रिज के अंदर अपन इसलिए रखते हैं ताकि कोई चीज़ें सड़े नहीं, गले नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया फ्रिज के अंदर भी अपना विकास कर लेता है और घातक पदार्थों को उत्पन्न करता है। उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम, ऑप्शन नंबर सी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम। जीवाणु के खोज करता है ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक है जीवाणु के खोज करता, ओके। और ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। कब, कल क्वेश्चन एग्जाम में आया था मृत कोशिका की खोज किसने की, तो मृत कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा और जीवित कोशिका की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ओके। और जीवित कोशिका की खोज हुई थी सन 1676 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों का होता है। क्या रूफ फॉर पावर, बिल्कुल है, मेल वॉइस फ्रीक्वेंसी लो होती है, पिच लो होता है, बिल्कुल सही जवाब। क्या आंसर बनेगा भाई, संदीप जी, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, श्रेणी क्रम में यदि आप रेजिस्टेंस ऐड करते हो तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपके पास में तीन रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, तो जो मैक्सिमम होगा उससे भी बड़ा बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो आपका ग्रेटर देन होता है, आपका जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा होता है। ये क्वेश्चन यदि आपसे पैरेलल में पूछे तो पैरेलल में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन होता है, आपका जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है। ये दो कंडीशन ध्यान रखना, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक सीरीज में इक्विवेलेंट है वो आपका जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, यानी 2, 5 और 10 ओम के तीन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 10 से भी बड़ा होगा, और यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट बनेगा वो उसकी वैल्यू 2 से भी कम बनेगी। इमरान खान जी वेलकम। अगला क्वेश्चन, यदि भी धातु एक क्षारीय ऑक्साइड बनाती है फिर भी निम्न में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। आपकी धातुएं हैं, अगर अपन बात करें मेटल्स के, तो आपकी क्षारीय मेटल्स की बात करें तो ग्रुप 1 के अंदर पाई जाती है, ग्रुप 2 के अंदर क्षारीय मर्दा धातुएं पाई जाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा बनाती है, देखिए ऑप्शन में से एक तो अपन ने जिंक का पढ़ा था, जिंक का अपने देखा था, जिंक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ में भी रिएक्शन करता है और वो बेस के साथ में भी रिएक्शन करता है। अब यहाँ तो जिंक है ही नहीं, जिंक के अलावा कौन सा है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका एल्यूमिनियम। तो जिंक और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो आपका उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये ध्यान रखना, जिंक और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं क्वाशियोर्कर रोग, कमी से क्वाशियोर्कर रोग होता है। कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ में, आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। अगला क्वेश्चन आपका, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है, ऑयल रिप्रोडक्शन, कौन सी क्रांति। कल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है, कल एग्जाम में क्वेश्चन आया था उर्वरक से संबंधित, तो उर्वरक से संबंधित क्रांति आपकी थी ग्रे क्रांति। यहाँ पे पूछा गया ऑयल से संबंधित कौन सी है, तो ऑयल से संबंधित हो जाएगी आपकी येलो पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी येलो रिवॉल्यूशन। तो सब क्रांतियाँ रट लीजिएगा, देखिएगा रेलवे पहले भी क्रांति पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है और पहले भी कल वाली शिफ्ट में भी पूछा था, तो सभी क्रांति रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत संचरण के लिए बनने वाले तार के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले दो पदार्थ कौन से हैं। देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो सके, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो सके आपकी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए अपन कौन से दो पदार्थों का तार काम में लेते हैं। टंगस्टन से ट्रांसमिशन करते हैं क्या अपन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इनके मेल्टिंग पॉइंट हो गए, नाइक्रोम वगैरह नहीं, अपने को ट्रांसमिशन करना है। सभी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो हो सकती है लेकिन अपने को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है। ट्रांसमिट का मतलब हो रहे हैं जहाँ से बिजली आपकी पैदा हो रही है, बिजली आपकी पैदा हो रही है और जहाँ आपके GSS तक पहुँच रही है, वो ट्रांसमिशन का काम किसके द्वारा होता है। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका तांबा और एल्यूमिनियम के द्वारा, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ओके। अगला क्वेश्चन आपका, आर्सेनिक सल्फाइड सोल किसका एग्जाम्पल है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड का, ठोस का, विलयन का, निलंबन का। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में कोलाइड का।
आर्सेनिक सल्फाइड का जो सॉल्यूशन बनता है वो किसका एग्जांपल है, वो कोलाइड का एग्जांपल है। निम्न में से कौन सी समस्या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, क्या जनसंख्या, प्रदूषण, पानी की कमी, या सभी के सभी? पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा पैदा करती है, प्रदूषण भी करता है, पानी की कमी भी करता है, अत्यधिक जनसंख्या भी करती है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि नासा के अंतरिक्ष यान लेडी ने चंद्रमा के वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति की पुष्टि की? तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है, नियोन आपका राइट आंसर बन जाएगा। लेडी स्पेसक्राफ्ट किसका? नासा का। वायुमंडल में नियोन गैस की उपस्थिति का पता लगाया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें क्या होता है? अलग अलग एनर्जी होती है, अनंत एनर्जी होती है, स्थिर एनर्जी होती है, या कोई भी एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिनमें कौन सी एनर्जी होती है? क्या उनकी एनर्जी वेरी करती है या फिक्स रहती है, वेरिएबल है या फिक्स है, या एनर्जी होती नहीं या एनर्जी इन्फाइनाइट होती है? यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उनके अंदर फिक्स एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर डी, फिक्स एनर्जी। निम्न में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी, गोदावरी। जीके का क्वेश्चन आ गया, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, एक पास्कल निम्न में से किसके बराबर होता है? पास्कल का फॉर्मूला होता है आपका बल बट्टे क्षेत्रफल। बल आपका न्यूटन में दिया जाता है, क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, प्रति वर्ग न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, नेट्रियम का लैटिन नाम क्या है? देखिए ऑप्शन में से लैटिन शब्द नेट्रियम का, इसका लैटिन शब्द क्या है? इसका लैटिन शब्द है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर डी सोडियम आपका राइट आंसर बनेगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन आपका है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? परमाणु द्रव्यमान, पीछे क्वेश्चन आया था परमाणु क्रमांक, तो परमाणु द्रव्यमान का श्रेय जाता है यहाँ पे दिमित्री मेंडलीव को, ऑप्शन नंबर डी सी। अगला क्वेश्चन आपका है, एक वाट किसके बराबर होती है बताइएगा? देखें ऑप्शन यहाँ पे है, जूल बटे सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड, पास्कल पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, बताइएगा एक वाट किसके बराबर होती है? कौन सही आंसर देगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर किसका आता है देख लेते हैं एक बार। यूटीवी सुरेंद्र राजपूत, संदीप टेकाजा, चारू 44 कमेंट कर दीजिएगा, मोहित चौधरी, कौन कौन है पता भी चल जाए एक बार, नाम देख लेते हैं, कमेंट कर दीजिएगा एक बार। वैसे अपन सेशन समाप्त करने वाले 150 पे, कमेंट कर दीजिएगा पता चले कौन कौन है, किस पे टिक लगाएंगे भाई? यहाँ पे टिक लगाने वाले अपन ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिएगा वाट की बात हो रही है, पावर होता है डब्ल्यू बाई टी, कार्य करने की दर को अपन बोलते हैं शक्ति। वाट ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या आपका कार्य है, कार्य आपका जूल में दिया जाता है, नीचे समय, समय आपका सेकंड में दिया जाता है, तो जूल पर सेकंड अपन किसको बोलते हैं? आंसर बन जाएगा एक वाट। ओके इमरान खान जी, भाटी श्रीवास, इंजीनियर भाटी, भारती श्रीवास। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से विषम की पहचान कीजिएगा। मिश्र धातु, वायु, दूध, जल। मिश्र धातु, वायु, दूध, जल, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका बताइएगा, और क्यों बनेगा? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र बिल्कुल वेलकम। यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्यों? क्योंकि ये आपका कंपाउंड है, ये आपका यौगिक है H2O। ओके बाकी आपके मिश्रण है, बाकी आपके मिक्सचर के एग्जाम्पल है, तत्व यौगिक मिश्रण के अंदर, ये मिश्रण के एग्जाम्पल है, और जल आपका यहाँ पे यौगिक का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह किसके द्वारा संभव है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है किसकी वजह से होता है? ऑप्शन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से, न्यूट्रॉनों की गति, पॉजिट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति। तो यहाँ पे सिंपल सा है आंसर बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनों की गति। ध्यान देना है यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इनेबल्स द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए सर्किट, और यहाँ पे सर्किट की बजाय यदि सेमी कंडक्टर लिख देता तो सेमी कंडक्टर के अंदर किसकी वजह से होता है? अर्धचालक में, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है।
अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? मेटल्स को। इस प्रकार की अपनी पीरियोडिक टेबल बनती है, उसमें ये होगी मेटल्स, इधर होगी नॉन मेटल्स, ये होगी ट्रांजिशन मेटल्स, नीचे आपके वो होगी सक्रिय वाले। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? आंसर बनेगा लेफ्ट बाई बाई और बाई साइड आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इनको बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। इनको क्या बोलते हैं, ध्यान देना है। देखिएगा ये तो एल्काइली मेटल्स है, ये आपकी एल्काइली अर्थ मेटल है। एल्काइली अर्थ मेटल ये है और ये है आपकी रेयर अर्थ मेटल। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पे होती है। ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक होता है। इनको सबको रट लीजिएगा, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन चलता फिरता जिसकी कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसको घुमाकड़ बोला जाता है। हाइड्रोजन को घुमाकड़ बोला जाता है। बाकी आप यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है। एल्काली मेटल्स आपकी ये है, एल्काली अर्थ मेटल्स ये बन रही है, ट्रांजिशन मेटल ये हो गई, पुअर मेटल्स इनको बोला जाता है, नॉन मेटल्स आपके ये हो गई, नोबल गैसेज आपकी, नोबल गैसेज आपको पता ही है, बच की रेयर अर्थ मेटल्स, तो रेयर अर्थ मेटल्स ये हो गई। तो किसी का भी एग्जाम में पूछे बता दोगे। इसी के साथ में इस सेशन को अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी के लिए मिलेंगे अपन अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो सेट नंबर 14 मॉर्निंग के अंदर लेके आएंगे। और जीके सेशन अपना लाइव चल रहा है वो होगा 9:15 सुबह मॉर्निंग के अंदर। जनरल साइंस का अपना टाइमिंग है 7:15 मॉर्निंग के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, कंप्लीट आपकी जीके जीएस रिवाइज हो रही है। इसी के साथ में अपन बहुत अच्छे से अपना एनालिसिस कर रहे हैं एग्जाम रिव्यू का, तो वो भी देखते रहा करो। एग्जाम रिव्यू के साथ साथ में आपका क्या होगा, कंप्लीट 2 साल का भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अपन ने कंप्लीट एनटीपीसी का एग्जाम रिव्यू कर लिया तो ये मानिएगा कि 3 महीने के अंदर अपन कंप्लीट 2 साल का करंट अफेयर याद कर लेंगे और कंप्लीट स्टैटिक जीके याद कर लेंगे। तो एग्जाम रिव्यू को भी बराबर देखते रहा करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे भी। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ नए है तो। चारू फरपोर मोहित चौधरी सुरेंद्र राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके थैंक यू, बाय। करंट आपकी कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करंट अफेयर्स आपकी एग्जाम रिव्यू के साथ साथ में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अपना एग्जाम रिव्यू के अंदर करंट अफेयर्स जो भी बनता है, करंट अफेयर रेलवे में वही पूछेंगे, किसका सीईओ कौन है, किसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, किसका सीएम कौन है, किसका गवर्नर कौन है, कौन से राज्य में कौन क्या है। तो वो आपकी कंप्लीट करंट अफेयर्स धीरे धीरे हो जाएगी। आपने देखा होगा 3 अपन ने वीडियो डाले, उसमें भी आपका मोस्टली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन याद हो गए होंगे, अच्छे से देखोगे। ओके ओके, चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।